क्या भगवान भरोसे हैं रोमन रेंस? क्या WWE रोमन रेंस के खिलाफ डीमन किंग को प्रोटेक्ट कर सकती थी? क्या मिस्ट्री है एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में रोप टूटने के पीछे? सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि संडे WWE का PPV एक्सट्रीम रूल्स दिखा था, जिसके मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस डीमन किंग के बीच मैच भी हुआ था। ये मैच कई मायनों में दिलचस्प था। एक तो दोनों ही सुपरस्टार अनडिफीटेड चल रहे थे, जिसमें डीमन किंग मेन रोस्टर में अनडिफीटेड थे और रोमन रेंस पिछले एक साल से चैंपियन के तौर पर ज्यादा टाइम से हारे नहीं थे। इस वजह से फैंस को उम्मीद थी कि इस मैच का एंड कुछ जबरदस्त होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसा एंड इस मैच का हुआ, उसके बाद फैंस काफी नाराज नजर आए। वहीं मैच काफी इंटेंस चल रहा था, दोनों ने एक दूसरे के अच्छे मूव्स को किकआउट भी करा। अब डीमन किंग जब ढेर पड़े थे, तब रेड रोशनी हुई, उनका म्यूजिक भी हिट हुआ, तो सबको लगा भैया अब तो न्यू चैंपियन मिलने वाला है। बट जैसे ही वो रोप पर चढ़े, रोप अचानक से टूट गई, वो गिरे और इसी वजह से डीमन किंग की हार हो गई। अब सवाल यह है कि रोप कैसे टूटी, क्या रियल में हुआ या ये फेक था या जानबूझकर ये करा गया था? तो देखिए, ये असली में नहीं हुआ, इसको कराया गया था ताकि डीमन किंग की हार रोमन रेंस के खिलाफ दिखाई जा सके। हालांकि WWE कोई और तरीका भी चुन सकती थी डीमन किंग को रोमन रेंस के खिलाफ हराने का, बट उन्होंने रोप को ब्रेक करा, डीमन किंग गिरे और रोमन रेंस ने स्पीयर लगा के मैच जीत लिया। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि इसके पीछे पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर का हाथ हो। वो इसलिए क्योंकि क्राउन जूबल के लिए WWE ने रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच नॉन टाइटल मैच अनाउंस करा था। ये टाइटल मैच नहीं था, ये टाइटल मैच तब बना जब रोमन रेंस ने डीमन किंग को एक्सट्रीम रूल्स में हरा के टाइटल रिटेन कर लिया। शायद पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को फिर से चैंपियन बनाने के लिए रोमन रेंस को टाइटल रिटेन करवाया हो और इसके पीछे पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की मिलीभगत हो। वहीं कुछ लोग इसे फिंड के रिटर्न की आहट भी मान रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अलेक्सा ब्लिस ने एक्सट्रीम रूल्स PPV के दौरान कहा था इट्स टाइम टू प्ले, जिसके बाद ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। वहीं फिंड के AEW में जाने के भी रूमर्स चल रहे हैं और उनका डेब्यू 29 सितंबर 2021 यानी कि कल होने वाले डायनामाइट के शो में होने की उम्मीद थी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद माना जा रहा है कि हो सकता है कि WWE फिंड को रिलीज करने के बाद वापस से WWE में ला सकती है ताकि वो AEW में ना जा पाए। अगर ऐसा है तो फिर ये कारनामा फिंड का भी हो सकता है। और वैसे भी फिंड को यूनिवर्सल टाइटल हारने के बाद रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच नहीं मिल पाया था। वहीं पॉल हेमन का एक साइड ये भी हो सकता है कि वो आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में इस बात को कबूलें या खुलासा करें कि उन्होंने ही ये रोप ब्रेक करवाई थी ताकि रोमन रेंस अपना टाइटल बचा लें। ऐसा करके पॉल हेमन रोमन रेंस को भरोसा दिला पाएंगे कि वो अभी भी ट्राइबल चीफ के साथ हैं, क्योंकि जब से ब्रॉक लेसनर ने आके कहा है कि पॉल हेमन तुमने बताया नहीं रोमन रेंस को कि तुम्हें पता था मैं समरस्लैम में आऊंगा, जिसके बाद रोमन रेंस का भरोसा पॉल हेमन से थोड़ा बहुत तो हिला है। अब कुछ लोग इसके पीछे भगवान का सपोर्ट रोमन रेंस को मिलना मान रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जीत के बाद रोमन रेंस ने हाथ उठा के ऊपर देखा था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि गॉड ने डीमन किंग को पनिश करा है, मतलब कि रोमन रेंस की जीत भगवान भरोसे रही। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सब स्टोरी लाइन और सोची समझी एंडिंग है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डीमन किंग बैलर जब टॉप रोप पर चढ़े थे तो उन्होंने उस पे सेटल होने में थोड़ा टाइम लिया। नॉर्मल वो कब्दी ग्रेस लगाने के लिए इतना वेट नहीं करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि डीमन किंग खुद वेट कर रहे थे कि रोप ब्रेक हो, वो नीचे गिरे और रोमन स्पीयर देके मैच में उनको हरा दें। फाइनली ये सब कुछ फिक्स था। अब रोमन रेंस की हराने वाली लिस्ट में डीमन किंग फिन बैलर का नाम भी शामिल हो चुका है। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि WWE डीमन किंग की स्ट्रीक को प्रोटेक्ट कर सकती थी रोमन रेंस के खिलाफ, बट WWE ने रोमन रेंस के हाथों उनके कैरेक्टर को हरवा के अच्छा नहीं करा, क्योंकि मैच के एंड में डीमन किंग का म्यूजिक हिट हो चुका था और वो फड़फड़ा के उठे थे। खैर, अब देखते हैं फिन बैलर के लिए WWE आगे क्या करती है। और ये हम सबको पता ही है कि रोमन रेंस अब क्राउन जूल में ब्रॉक लेसनर का सामना करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।